इस वक्त मैं तमिलनाडु में हूँ और तमिलनाडु में जहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम हो रहा है, विश्व के कई ऐसे जो कंट्री के जो लड़ाकू विमान हैं वो यहाँ पे पहुँचे हैं, और इस बीच में आत्मनिर्भर भारत यानी कि मेक इन इंडिया का एक विशेष जो एक मिसाइल मैं दिखाना चाहूँगा, हेलिना। हेलिना की अगर बात करें, किस तरह से इसको तैयार किया गया, किस तरह से इस तमाम मामलों पर बात करते हैं, हमारे साथ में अजय कुमार बंसल साहब हैं। सर, हेलिना की चर्चा काफ़ी हो रही है, और किस तरह से तैयार किया गया, इसकी मारक क्षमता क्या है, इसके बारे में बताइए। धन्यवाद। हेलिना ये हेलीकॉप्टर लॉन्च मिसाइल है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसकी ज़रूरत क्यों है। जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि कई देशों के बीच में युद्ध चल रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि ड्रोन की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, मिसाइल्स की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, तो हम भी अपने जो हथियार हम बनाते हैं उन हथियारों को हम आधुनिक बनाते जा रहे हैं। अभी तक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हम अपने BMP से लॉन्च करते थे या लॉन्चर से लॉन्च करते थे, जो कि थोड़ी सी उनकी मूवमेंट की जो है स्पीड कम रहती है। तो हमें एक ज़रूरत महसूस हुई कि एक ऐसी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो कि हम कहीं भी जाके लॉन्च कर सकें, तो ये हेलीकॉप्टर पे माउंट होती है। हेलीकॉप्टर को आप कहीं भी भेज सकते हो, तो मूवमेंट उनका एकदम से बढ़ जाता है, फास्ट है बहुत ज़्यादा, और लगता है कि आपको 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर है, आपने हेलीकॉप्टर वहीं पे भेजा और वहीं पे उनके टैंक को ये ध्वस्त कर देती है। सबसे बड़ी बात इसकी ये है कि ये पहली स्वदेशी हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। मतलब इसे आसान शब्दों में ऐसे बताया जा सकता है कि हेलीकॉप्टर से बैठ कर कहीं निशाने को आपने लॉक किया और वहाँ से फायर कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। इसकी मारक क्षमता कितनी होगी? इसकी मारक क्षमता है करीब 6 से 7 किलोमीटर। ओके, ठीक है। लेकिन हेलीकॉप्टर अगर में लगी हुई है तो अगर हम टैंक से कंपेयर करें तो उसकी मारक क्षमता रेंज बहुत बढ़ जाती है, बिकॉज हेलीकॉप्टर कहीं भी जा सकता है। yes. और जैसे ही देखा 6 से 7 किलोमीटर के बीच में ये टैंक है, दुश्मन के टैंक है, तो उसको ये ध्वस्त कर देते। मतलब कि मेक इन इंडिया के तहत इसको DRDO और मेक इन इंडिया के तहत ये बनाई गई है, और हमारी इंडियन की कंपनीज ही इसको मिलकर बना रही है। एक और विशेष मिसाइल की बात करते हैं, जिस तरह से अगर अमुक की बात करें, थर्ड क्या है सर, ये इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये भी एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, अमोगा थ्री। ये एक तरह से थर्ड जनरेशन मिसाइल है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि हम अपने हथियारों को आधुनिक बनाते जा रहे हैं, तो सेकेंड जनरेशन जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है वो वायर यूज़ करती है, लेज़र यूज़ करती है, तो ये एक आधुनिक मिसाइल है। इसमें जो सेंसर लगा हुआ है वो IIR सेंसर लगा हुआ है, इंफ्रारेड इमेजिंग इंफ्रारेड सेंसर, जो कि अपने आप में काफ़ी आधुनिक माना जाता है। और इसकी एक और खासियत है कि ये जो मिसाइल है ये BDL खुद अपने आप डिज़ाइन एंड डेवलप कर रही है, हमारी खुद की R&D भी इसको डेवलप कर रही है। ओके, तो ये भी इसको कैसे हेलीकॉप्टर से या ये इसको लॉन्चर से हम लॉन्च करते हैं, लॉन्चर से लॉन्च करते हैं, लेकिन जो अभी तक मिसाइल है उसमें ये एडवांस मिसाइल आधुनिक। और तीसरा एक और मैं विशेष तौर पर बात करना चाहूँगा, जिस तरह से CMDS सिस्टम, सर ये सिस्टम जो है क्या है, किस तरह से काम करती है CMDS सिस्टम? देखो, CMDS सिस्टम बेसिकली इसको बोलते हैं काउंटर मेजर डिस्पेंसिंग सिस्टम। दुश्मन की मिसाइल अगर हमारे ऊपर आ रही है, एक फाइटर एयरक्राफ्ट है, हम दुश्मन के यहाँ पे जा रहे हैं, दुश्मन के हवाई जहाज को मारने जा रहे हैं, तो जैसे हम मिसाइल लॉन्च करते हैं ऐसे दुश्मन भी मिसाइल लॉन्च कर सकता है। जब दुश्मन मिसाइल लॉन्च करता है तो हम अपने आप को बचाने के लिए ये सिस्टम काम आता है। इस सिस्टम से हम चैप्स एंड फ्लेयर्स डिस्पेंस करते हैं, और एयरक्राफ्ट चला जाता है तो जो मिसाइल उधर से आ रही है वो चैप में चली जाती है, चैप को डिस्ट्रॉय करती है, फ्लेयर को डिस्ट्रॉय करती है, और एज ए रिजल्ट क्या होता है, हमारा एयरक्राफ्ट बच जाता है। तो अब दुश्मन से अपने एयरक्राफ्ट को बचाने के लिए ये सिस्टम यूज में आता है। ये भी मेक इन इंडिया के तहत, ये मेक इन इंडिया के तहत में, ये हमारी कंपनी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड खुद ही बनाती है, खुद ही डिज़ाइन करती है। निश्चित तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से ये CMDS सिस्टम जो है वो काम करती है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि सर ये इसमें और ज़्यादा आप लोग तब्दीली या बेहतर बनाने का काम चल रहा है। बिल्कुल, इसमें पहले जनरल ये फाइटर एयरक्राफ्ट में यूज़ होता था, तो अभी हम किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट उसके डिज़ाइन के हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। अभी जो हमारे एडवांस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट आ रहे हैं, जैसे टाटा C295 एयरक्राफ्ट बना रहा है, उसमें भी हमारा BDL का CMDS ही फिटेड है,
तो जितने भी फाइटर ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स नए नए आ रहे हैं सब में हमारा CMDS यूज हो रहा है। थैंक यू सर। निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि जिस तरह से अगर बात करें चाहे हरियाणा की बात करें अमरोहा की बात करें तो ये तमाम ये ऐसे मिसाइल हैं या जो बेहद आधुनिक है और कहा जा सकता है कि भारत आत्मनिर्भर भारत के तहत इन तमाम उसको बनाया जा रहा है और आने वाले दिनों में इसे और बेहतर तैयार करने के लिए तमाम जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम भी किया जा रहा है। शंकर आनंद, न्यूज़ 18, तमिलनाडु।